Hello everyone, welcome to my channel Study Junction, and in this video we are going to solve some questions from NCERT exemplar of chapter pair of linear equations in two variables. So is chapter ki exercise 3.3 hum NCERT exemplar mein se kuch important questions karenge. So ninth question is solve the following pair of equations. To iska kafi sare aapko parts diye hue hain, isme se hum aapka sixth part karne wale hain, theek hai? To yahan par aapko ye first दिए इक्वेशन एंड ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिए, ठीक है. सो लेट्स सी कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड में से करते हैं. सो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इनका जो कॉफिशियंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर आपके कॉफिशियंट्स जो है सेम नहीं है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं x का कॉफिशियंट क्या है, 1 बाय ए, एंड यहाँ पर जो आपकी सेकेंड है यहाँ पर क्या है, 1 बाय ए स्क्वायर. तो हमें इसे भी ए स्क्वायर की टर्म्स में करना पड़ेगा. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई इट बाय 1 बाय ए, ठीक है. जब हम 1 बाय ए से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वो एक्स बाय ए स्क्वायर बन जाएगा. तो हमारे जो एक्स के कॉफिशियंट्स हैं यानी कि फर्स्ट टर्म के जो कॉफिशियंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे, राइट. तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी टर्म को हम इक्वेशन को करेंगे, सो इट वुड बिकम. सो यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी डिलीट हो गई. सो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, आपकी मैंने 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि हम इनके जो कॉफिशियंट्स है वो सेम कर सकें. तो आपका क्या बनेगा, एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय ए बी, ठीक है, ये आपका पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड नाउ ये भी आपको समझाया था कि ए प्लस बी बाय ए ये कैसे करना है. देखो ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, अब क्या रह जाएगा, इसकी जगह 1 एंड 1 प्लस क्या रह जाएगा, बी बाय ए. तो ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया. अब इनके साइंस चेंज होंगे, ठीक है, जब साइंस चेंज होंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म. इसमें हम लिखेंगे y बाय बी स्क्वायर माइनस वाई बाय ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस बी बाय ए. तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं. तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम y को कॉमन ले सकते हैं. अगर मैंने y को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा एंड 2 में से 1 गए 1 माइनस बी बाय ए, ये चीज रह जाएगी. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है. इसका एलसीएम क्या, मल्टीप्लाई करके आएगा, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है, वाई तो बाहर रहेगा एंड हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है. एंड यहाँ पर भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ए आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी, ठीक है. अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहा है ए माइनस बी तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है. तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए. अब यहाँ पर ए एंड ए की कैंसिलिंग हो गई तो वाई क्या आ गया, बी स्क्वायर. देयरफॉर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैं एक्स की वैल्यू, लेट्स सी, हमारी वाली सेकेंड इक्वेशन थी, इसको मैं सपोज कर रही हूँ, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी ये फर्स्ट थी, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी. तो चलो सेकेंड इक्वेशन में हम लेट्स सी कि मैं वाई की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल रही हूँ. सो मैं क्या लिखूंगी, पुट वाई इन सेकेंड इक्वेशन. अभी सेकेंड इक्वेशन हमने लेट की है, हमने सेकेंड इक्वेशन की है. सो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो अब इसमें वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय ए स्क्वायर तो एज इट इज, वाई क्या है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो ये बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह क्या बचा, एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा, एक्स बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर उधर जाएगा तो x क्या आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, और y क्या आ गया, बी स्क्वायर. सो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट था इस क्वेश्चन का. सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, सो नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये 14th क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है. ये 14th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x प्लस 1 फैक्टर है ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. और हमें फाइंड करनी है वैल्यू a एंड b की, एंड हमें एक और इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये तो एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक हमें इक्वेशन गिवन है दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर क्या है कि हम पहले पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, लेट p ऑफ x बी द पॉलिनोमियल दैट इज 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस 1, ठीक है. ये हमने इसको पी एक्स सपोज कर लिया. अब हमें x प्लस 1 फैक्टर दिया है, तो हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे. सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है. अगर ये फैक्टर है और अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, ये तो हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में किया हुआ है. सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे,
है प्लस ए, एक्स हमारे पास माइनस वन है उसका स्क्वायर, प्लस टू बी एंड माइनस वन, प्लस हमारे पास क्या है वन, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। नाउ ये माइनस वन रहेगा, माइनस टू हो जाएगा, ये ए ही रहेगा एंड दिस वुड बी माइनस टू बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस टू बी अगर हम इसको उधर ले जाएं, ये माइनस वन प्लस टू आ जाएगा तो वन, ठीक है। यहां से मैं क्या ले रही हूं, मैं वैल्यू ले रही हूं ए की, ठीक है। यहां से मैं ए की वैल्यू ले लेती तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा, टू बी, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में ले लिया और इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन वन, ठीक है। अब मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, रेडी गिवन है, टू ए माइनस थ्री बी किसके इक्वल है, फोर के इक्वल है। इसको मैंने ली सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, पुट इक्वेशन वन। अगर मैं ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारा आंसर ही आएगा, पुट इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो यहां पर मैं टू ए क्या है, टू बी माइनस थ्री बी इज इक्वल टू फोर, सो फोर बी माइनस थ्री बी इज इक्वल टू फोर। तो यहां से मेरे पास बी की वैल्यू क्या आई, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई फोर, राइट। सो यहां पर अब मैं ए की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, सो ए क्या आ जाएगा, एट, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए एंड बी के, ये हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ओके, सो नेक्स्ट जब हम 16th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सब में एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें बताया है, एक हमारे पास करेक्टर है सलीम एंड एक उसकी डॉटर है, ठीक है। तो जो सलीम है और डॉटर है उनकी एजेस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम उनकी एजेस को पहले लेट कर लेंगे एंड फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, लेट द एज ऑफ सलीम, ठीक है, सलीम की एज लेट कर लेते हैं, दैट लेट द एज ऑफ सलीम बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, टू ईयर्स अगो, ठीक है, टू ईयर्स अगो की बात करें तो पहले हम उनकी टू ईयर्स अगो की एज निकाल लेते हैं। सो टू ईयर्स अगो सलीम्स एज, पहले हम सलीम की एज निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, x में से 2 गए, x माइनस टू, एंड उसकी डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर्स एज वुड बी y माइनस टू, ठीक है, पहले की बात हो रही है, अगो की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, टू ईयर्स अगो सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, पहले इतनी बात करते हैं, यहां तक हम बात करते हैं। टू ईयर्स अगो सलीम वॉज मीन्स इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी ऐसे हैज इज ये सब आए तो ये इज इक्वल टू के हैं, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, सलीम की एज क्या, थ्री, इट वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, सो थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। हमारे पास आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस टू इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस थ्री टू जा सिक्स, इसको इधर ले आते हैं, सो ये आ जाएगा x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिक्स ईयर्स लेटर ही विल बी, ठीक है, सिक्स ईयर्स लेटर की बात हो रही है तो पहले तो हमें सिक्स ईयर्स लेटर की एज ही निकाल लेनी है। सिक्स ईयर्स लेटर सलीम्स एज, ठीक है, सलीम्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एंड डॉटर्स एज, अब उसकी डॉटर की बात हो रही है सो उसकी डॉटर की एज क्या है, वाई प्लस सिक्स, ठीक है ना। सो अब क्या कह रहे हैं, सिक्स ईयर्स लेटर ही विल बी फोर ईयर ओल्डर दैन ट्वाइस हर एज, तो सिक्स ईयर्स लेटर पहले तो एक्स प्लस सिक्स किसकी इक्वल होगी, फोर क्या है, फोर ईयर्स ओल्डर, यानी कि फोर प्लस कुछ होगी, ट्वाइस हर एज, ट्वाइस वाई प्लस सिक्स, आराम से हमें फोर ईयर्स ओल्डर दैन ट्वाइस हर एज, पहले तो ट्वाइस हर एज कर ली प्लस उसमें फोर कर दिया तो हमारे पास सलीम की सिक्स ईयर्स बाद की एज आ जाएगी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, टू वाई प्लस ट्वेल्व, ठीक है, सो एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, ये सिक्सटीन माइनस सिक्स टेन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इन दोनों को, तो ये एलिमिनेशन से हो सकता है, यस ये हो सकता है, ये देखो हमारे जो x के कॉफिशियंट है, मतलब फर्स्ट टर्म के कॉफिशियंट सेम है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। अब साइन चेंज कर देते हैं, सो साइन ये गया x गया, माइनस प्लस माइनस माइनस फोर्टीन, ठीक है, तो y की एज क्या आ गई, फोर्टीन,
वाई कौन था हमारे पास? हमारा वाई था डॉटर, तो डॉटर की एज हमारे पास ऑलरेडी आ गई। अब हमें सलीम की एज निकालनी है, ठीक है? सलीम की एज क्या है? सलीम की एज यहाँ से निकल सकती है इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स माइनस 14 2 28 इज इक्वल टू 10, सो एक्स क्या है? 38 ईयर्स, ठीक है? तो सलीम की एज क्या आ गई? 38 ईयर्स, एंड उसकी डॉटर की एज क्या आ गई? 14 ईयर्स। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14, 16th क्वेश्चन, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व 18th क्वेश्चन विच सेज दैट टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5, देन फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर दो नंबर्स की बात हो रही है, तो हम लेट करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है? हमने लेट कर लिया एक्स एंड वाई है, ठीक है? सो अब हमें फर्स्ट रेशियो दी है, ठीक है? यानी कि हमें एक्स बाय वाई की रेशियो क्या दी है? 5:6, ठीक है ना? अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा? y उधर भेजकर क्या आएगा? 5:6, ठीक है? तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है? मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ये आपको ये स्टेप समझ आया ना कि हमें रेशियो गिवन है 5:6, ठीक है? इसको कैसे लिखते हैं? x:y, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 5:6, ठीक है? तो यहाँ पर इसको डिवाइड ही करते हैं, तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 5:6, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में क्या, अगर 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ द नंबर्स, यानी कि एक्स में से भी 8 एंड वाई में से भी 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रेशियो क्या बन जाती है? 4:5, ठीक है? ये बन रही है। अब तो हमें इसे सॉल्व करना आता है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या आएगा? 5x-8 इज इक्वल टू 4y-8, सो ये क्या बनेगा? 5x-40 इज इक्वल टू 4y-32, ठीक है जी? ये बनेगा 5x-4y, ये उधर जाकर क्या बनेगा? ये बनेगा इट वुड बी 8, ठीक है? ये प्लस 40 हो जाएगा एंड माइनस 32, ये 8 हो जाएगा। सो ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है? सो हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, सो विल राइट पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है? सो एक्स की वैल्यू है 5y/6-4y=8, ठीक है? तो ये 5 5 25y/6 बनेगा, -4y=8। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, 25y एज इट इज, 6 4 24y=8। अब ये 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 25 -24 ये बचेगा y, 48, ठीक है? y की वैल्यू आ गई 48। x की भी निकाल सकते हैं, ठीक है? हमारे पास x, हमने सपोज ये देखो x हमने निकाल के रखा था यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 5y/6, इसी में बस 5 by 6y, ठीक है? सो x इज इक्वल टू 5/6y वैल्यू पुट करेंगे इनटू 48, सो 6 8 and 40, ठीक है? सो x क्या है? 40, सो द टू नंबर्स आर 48 and 40। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज में से। ओके, तो अभी इस एक्सरसाइज में से थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से करेंगे, तो ये भी काफी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? हमें यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू बतानी है, जिससे कि ये लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन होती है दैट a1/a2 इज इक्वल टू, ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर आपको ये कंडीशन याद है, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर a1 क्या है? पहले तो हम इन जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको थोड़ा सही करके लिखते हैं, सबको इस साइड ले आते हैं। x+2y-1=0, ठीक है? सेकेंड हमारे पास है a-bx+a+by एज इट इज। अब इसको इधर लेकर आना है, तो माइनस हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? a+b-2=0। अब हमने 0 राइट हैंड साइड पर कर दिया एंड सब कुछ इधर ले आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर a1 क्या है हमारे पास? 1 है, ठीक है? x का कोई कॉफिशियंट नहीं है। एंड यहाँ पर क्या है? a-b। अब यहाँ पर b1 क्या है? y का कॉफिशियंट 2।
एंड यहाँ पर बी टू क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। सी वन में यहाँ क्या है, माइनस वन, एंड यहाँ पर क्या है, माइनस, ठीक है। ये माइनस तो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड नाउ अब हम इन दोनों को, हम टू जो वैल्यूज हैं इनकी निकालते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले, काफी लेंथी है वैसे ये क्वेश्चन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ये आ जाएगा टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ए इधर जाएगा तो ये भी ए हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये ए माइनस थ्री थ्री बी हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ए को थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उधर ही अगर ले जाएं तो ये हमारा ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में से भी हम यहां पर अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए प्लस बी रह जाएगा एंड ये टू ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है, ये चीज रहेगी। तो ए प्लस बी एज इट इज इक्वल टू टू ए प्लस टू बी माइनस फोर। अब ये उधर जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये बी रह जाएगा एंड ये इधर जाएगा तो ये फोर हो जाएगा। तो ये फोर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारी लेट्स सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये वाली जो है ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप पुट करें फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, हमारे पास ए की वैल्यू तो है थ्री बी, सो फोर इज इक्वल टू थ्री बी प्लस बी, सो फोर इज इक्वल टू फोर बी एंड बी इज इक्वल टू वन। हमारे पास बी की वैल्यू तो आ गई, अब ए की वैल्यू क्या है, थ्राइस ऑफ बी, बी क्या है वन, सो थ्री, देयर फोर ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू वन। तो काफी इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये कंडीशन ही याद नहीं है, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो या, दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मैथ्स चैप्टर क्लास 10। सो या, दैट वॉज ऑल एंड आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आपको कोई भी टाइप्स की वीडियोज चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स एज सुन एज पॉसिबल। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।